दोस्तों नमस्कार, आप सभी तमाम दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जितने भी लोग जुड़ रहे हैं लगातार सभी लोग जो है लाइव आ जाइए दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा जो है आप लोगों के लिए नॉलेज देने वाला है। दोस्तों संविदा कर्मियों की सैलरी चुनाव से पहले बढ़ा करके 18,000 रुपये करने का ऐलान हो गया है, और आपको स्क्रीनशॉट भी दिखाएंगे, सारी बातें बताएंगे क्या है पूरी सच्चाई, वो सारी बातें भी हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं दोस्तों। तो बने रहिए आप हमारे साथ पूरा नॉलेज लेने के लिए। वैक्सीनेटर सहायक भाइयों, जितने भी लोग हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं, सबका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारा ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा नॉलेज देगा, और ख़ासकर वैक्सीनेटर सहायकों के लिए ही बनाया गया है। चलिए टाइम न गंवाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर दोस्तों आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लाल वाली बटन दबा करके सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें, ताकि हमारे वीडियो सारे आपको मिलते रहें, नोटिफिकेशन आप तक जाता रहे और आप जानकारियों से अपडेट रहें। दोस्तों एक सरकार का बहुत बड़ा फैसला आया है चुनाव से पहले, और उसी पर हम बात करेंगे। आप जैसा कि पीछे तस्वीरों में देख पा रहे हैं, एक आपको स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा जिसमें साफ साफ लिखा गया है कि मुख्य सचिव से वार्ता के दौरान आश्वासन, राज कर्मियों को दिवाली से पहले मिलेगा बोनस। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दिवाली आने वाली है अगले महीने में, और इससे पहले जो है सरकार जो है बोनस के रूप में क्या देने वाली है, इसी के मैटर पर हम बात करते हैं। इसमें दोस्तों लिखा है कि आउटसोर्स कर्मियों के लिए भेजे गए हैं निर्देश, और इसमें इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश विभागों को भेज दिए गए हैं। पशु चिकित्सा विभाग में रिक्त पदों पर जॉब के लिए आप के लिए जो है सुनहरा अवसर है, तथा पहले से कार्य कर रहे लोगों को, माफ़ कीजिएगा, लोगों का मानदेय बढ़ाया जाएगा। ऐसा आप देख सकते हैं, इसमें ये पांचवी लाइन में आप देख सकते हैं लिखा हुआ आपको मिल रहा है, दिख रहा है। तो दोस्तों जितने भी लोग इस वीडियो को देखें, क्या आप सरकार के इस फैसले से संतुष्ट हैं या आप असंतुष्ट हैं, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।